मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए, इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है, वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सात अर्थ में पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका उत्साह, हौसला और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आज दिल्ली के गलियारों में आया है, कई सारे आंख होते हुए भी आंख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आंख और कान खोलने का काम करेगा। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, किसी की मां छीन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते हैं। खैर, आपका प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा, ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया। भाई बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के अंदर कानून का राज प्रस्थापित, राज्य सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और अब आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के चार जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से
आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके परिवारजनों को खोया है, आपके शरीर का नुकसान हुआ है, आपके भविष्य को रौंद दिया गया है, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इसको वापस नहीं दिला सकता, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आगे पर इस प्रकार के निर्दोष लोगों के जीवन में ऐसी कोई आपदा ना आए, इस प्रकार की कठिनाई ना आए। और आज आप लोग आए हैं, आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे जाकर प्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं। अच्छा ही किया, मेरा टाइम मांगा। मैं मानता हूं उनकी संवेदना भी आपके लिए जगेगी, मगर उनकी जगह न जगे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी अब तक जो आपके लिए योजनाएं बनी हैं, इस सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके और आपके जीवन में आपको इसका मदद मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष मदद मांगी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की, शौचालय की, बिजली वाले घर की, इस सारी योजना को प्रधानमंत्री जी ने गत कैबिनेट में ही अप्रूव कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये सारी योजनाएं आप पर पहुंचेंगी। परंतु आपका जीवन सम्मान के साथ जाए, सुचारू रूप से जाए, इसके लिए आपको क्या मेडिकल सहायता मिल सकती है, रोजगारी के लिए क्या सहायता मिल सकती है, कौन सी योजना के साथ आपको जोड़ा जा सकता है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करने वाला विभाग इसको अच्छे से देखेगा, एक डिटेल योजना बनाकर हम राज्य सरकार को साथ में लेकर न केवल बस्तर, देश भर में नक्सलवाद के कारण जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इसके प्रति हमारी संवेदना भी जताएंगे और एक प्रकार से जो हाथ में हथियार लेकर मैदान में उतरे हूं उनको एक संदेश भी देंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा होती है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नक्सलवाद ने कितने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है, आंकड़े शुष्क कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेदना की वाचा नहीं होती है, मगर जो भुक्त भोगी है, जिसने दुख को झेला है, उनको मिलते हैं, देखते हैं, तो वो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुंचती है और आंखें भी खोल देती है। आज आप सभी लोग आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है और आपके भविष्य के बेहतर जीवन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर जाता हूं कि अगले सही 1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है, परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप मेरे घर पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, चाय नाश्ता सभी व्यवस्था हुआ है, आप जरूर करिए और आराम से जाइए, विश्वास लेकर जाइए, बस्तर फिर से सुंदर होगा, बस्तर फिर से शांत होगा
और पूरा बस्तर विकसित होगा, इसका विश्वास लेकर जाइए। धन्यवाद।